अनूपगढ़ ज्योति चैनल में आप सबका स्वागत है। अब रुक करते हैं खबरों की ओर। अनूपगढ़ 52वां शहीद एमू कल्याणी स्वतंत्र रोवर क्रू राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड स्थानीय संघ द्वारा आरसीपी कॉलोनी आंगनवाड़ी केंद्र में विश्व शांति दिवस मनाया गया। संघ सचिव राजा राम डालके ने विश्व शांति दिवस मनाने के उद्देश्यों को बताते हुए कहा कि विश्व शांति बनाए रखने के लिए जलवायु में हो रहे हैं बड़े परिवर्तन पर अंकुश लगाना होगा। रोवर लीडर रमेश सेबकाणी ने स्काउटिंग के प्रेरणापुंज बेडेन पावेल द्वारा विश्व शांति के लिए किए गए प्रयासों को याद करते हुए कहा कि कोई भी धर्म जाति इंसानियत से ऊपर नहीं हो सकती, इसीलिए सबसे पहले आवश्यक है कि हम एक अच्छे इंसान बने। इस मौके पर सचिव राजा राम डाल, रोवर लीडर रमेश सेबकाणी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ललिता, सीनियर रोवर हरनेक सिंह, सीनियर रोवर कुलदीप शर्मा, रोवर अवतार सिंह, नेहरू युवा केंद्र के राकेश कुमार, रोवर विकास शर्मा, रोवर बिरजू राजेंद्र सिंह द्वारा इंटरनेशनल पीस डे थीम क्लाइमेट एक्शन फॉर पीस लिखी तख्तियां एवं बैनर के माध्यम से वृक्षारोपण एवं कपड़े का बैग उपयोग करने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो हर वर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है, इसके तहत आज 21 सितंबर को आंगनबाड़ी केंद्र अनूपगढ़ वार्ड नंबर 1 में राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड के तत्वाधान में 52वां शहीद हेमू कल्याणी रोवर स्वतंत्र क्रू और नेहरू युवा केंद्र के द्वारा सामूहिक रूप से बच्चों को आंगनबाड़ी के बच्चों को शिक्षण सामग्री बांटी गई। स्वच्छता के तहत बच्चों के नाखून काटे गए। बढ़ते प्रदूषण के कारण वातावरण में जो असंतुलित हो रहा है उसको रोकना हमें चाहिए और विश्व में शांति बनाए रखने के लिए हम स्काउट गाइड परिवार की तरफ से, रोवरिंग की तरफ से हम ये अपील करते हैं कि हमारे पूरे विश्व के अंदर शांति कायम रहे। जय हिंद। स्वतंत्र क्रू राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड द्वारा आयोजित आज विश्व शांति दिवस जो कि आंगनबाड़ी केंद्र पर मनाया जा रहा है, मैं सबसे पहले हमारे स्काउटिंग के प्रेरणा पुंज बैडन पावेल जी, जिनकी प्रेरणा से आज हम जो पूरे विश्व में स्काउटिंग अपने कार्यक्रम, अपनी गतिविधियां, चाहे स्वच्छता के प्रति हो, चाहे पर्यावरण के प्रति हो या शांति के प्रति हो, जो गतिविधियां आयोजित कर रही है स्काउटिंग, उस प्रेरणा पुंज को मैं नमन करता हूँ। और मैं इन बच्चों को जो आज इनको जो पढ़े जो छोटे छोटे बच्चे हैं या आगे देश का भविष्य बनेंगे, इनको आज खालसा ग्रुप द्वारा शिक्षण सामग्री भी बांटी गई। और इन सभी को और पूरे विश्व को संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी आज, क्योंकि अपना देश जो भारत देश है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और ये वैसे भी अपने पूरे विश्व के लिए संदेश है, एक भारत देश अपने आप में एक संदेश है कि यहाँ सभी धर्मों के लोग बड़े शांति से रहते हैं और अपने अपने धर्मों का पालन करते हैं और विश्व में एक नया संदेश देते हैं कि हम सभी एक हैं और हम एक मानव हैं जिसको कि अपनी भलाई की गतिविधियों में भागीदारी निर्वाह करनी होगी। जय हिंद, जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अनूपगढ़ ज्योति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।